धीरज रखिए, रॉकी ने आइडिया निकाला है। हाँ। सिटी निकल जाएगी। वैसे आइडिया क्या है? मैं आज रेसलिंग करके बाबूजी के गले से सिटी निकालूंगा। अरे लेके बाबूजी। निकल गई। निकल गई। निकल गई। एक मिनट, एक मिनट। लेकिन सिटी कहाँ? रॉकी कोई बात नहीं, लेकिन खुशी की बात यह है कि तूने बापूजी की सिटी निकाली। शाबाश। अरे वाह, निकल गई। बालवीर और डूबा डूबा एक आ गए कैसे ये लोग पतंग लोक में? अरे हाँ, नहीं कोई बात, डर क्या पाएगा ये बालवीर परी पतंगा के सामने? आने दो उसे, वो क्या करे परी पतंगा के पास। बच्चों, पतंगा परी ने कितनी बुरी तरह से बच्चों को बंधक बना के रखा है, उसे उसकी इस गलती की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। आओ बालवीर, आओ बालवीर, आओ बालवीर। तुम आ तो गए हो यहाँ, लेकिन वापस नहीं जा पाओ, क्योंकि ये पतंग लोक तुम्हारा परी लोक नहीं, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। पतंगापन, आज तुम्हारा राज समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ तुम भी, क्योंकि तुम्हारी पतंग की डोर के साथ साथ तुम्हारी जीवन की डोर भी कट जाएगी। पतंगा की डोर कटती नहीं है, सिर्फ काटती है। परी पतंगा, दिखा दो इस बालवीर को तुम्हारी बुराई की शक्ति। बन जाओ पतंग, ताकि उड़ाकर तुम्हें काट सकूं मैं इस बालवीर का घमंड और कर दूं इसका अंत। डुबाए तैयार हो जा। होगा तेरा ये आखिरी पेच।
क्या हुआ बालवी? तुम तो बड़े उछल रहे थे मुझे काटने के लिए, पर अब खुद ही कट गए। आओ काटो मुझे। आ जा फिर से, अब देखना मेरा करिश्मा। बालपरी ने तो कहा कि पतंग का परी को पतंग से ही काट कर हराया जा सकता है, लेकिन ये कट क्यों नहीं रही? बालवीर बचा, बालवीर! क्षमा करना बालवीर, वो कोई बात नहीं। डुबा डुबाएक, डुबा डुबाएक, तुम याद है जब मैं पतंग का परी की डोर से बंधा था तो तुमने मुझे किस डोर की मदद से छुड़ाया था? बालपरी के बालों से बनी हुई डोर से। गया कैसे मैं बोल बालपरी के बालों की शक्ति को? आएगा मजा बालवीर। हाँ डुबा डुबा, अब हम बालपरी के बालों की मदद से पतंगा परी को हराएंगे। ये क्या हो रहा है? मैं तो किसी भी डोर से नहीं कट सकती, फिर ये बालवीर की डोर मुझे चुप क्यों रही है? लगता है मैं कट जाऊंगी। लेकिन बालवीर, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तुम्हारे इन प्यारे दोस्तों को इस अग्नि कुंड में झोंक दूंगी मैं। तुम जीत कर भी हार जाओगे बालवीर, हार जाओगे। तो अग्नि कुंड में गिर रहा है, क्या करूं? चाहे जो भी, मुझे बच्चों को बचाना ही होगा। डुबा डुबाइक, मुझे जल्द से जल्द बच्चों के पास ले चल। हाँ अरे डुबा डुबाइक, अरे कर ले चाहे तू कुछ भी, जीतूंगा तो मैं ही। जोर लगा के घसीटो और काट दो पतंगा परी की पतंग को। हाँ बालवीर, हाँ।
कैसे कट पतंग परी पतंगा की चली गई हो, भाग तो भाग तो भाग। शाबाश डुबा डुबाए, शाबाश। अच्छा वो बालवीर तुम आ गए, वरना पता नहीं आज हमारा क्या हाल होता। थैंक यू बालवीर, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन एक ना एक दिन वो कट ही जाती है। हाँ। और सच्चाई और अच्छाई की पतंग हमेशा उड़ती रहेगी। हाँ, हाँ बच्चों, सच्चाई और अच्छाई की डोर कोई नहीं काट सकता। ये कितने प्यारे प्यारे पत्र। खुश रहो परी, खुश रहो परियों, खुश रहो परियों। आप सब बच्चों के पत्र तो पढ़ रहे हो ना? सब बच्चे खुश तो हैं? रानी परी, बच्चे खुश तो हैं, लेकिन खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो। काली परी, आप हमसे कुछ कहना चाह रही थी? हाँ रानी परी, हम ये कह रहे थे कि पृथ्वी लोक में बच्चे खुश तो हैं, लेकिन उनके पत्रों को देखकर ये लग रहा है कि वो थोड़े से डरे हुए हैं। क्यों भटकाती परी, क्या बच्चों पर कोई खतरा है? नहीं रानी परी, खतरे की बात नहीं है। दरअसल पृथ्वी लोक में बच्चों के विद्यालय में परीक्षाएं नजदीक आ रही है, बस उसी वजह से सारे बच्चे बहुत ही चिंतित है। हाँ रानी परी, बच्चों को ये डर सता रहा है कि वो ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। हाँ, और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें अच्छे अंक मिल पाएंगे या नहीं। हाँ रानी परी, और कुछ बच्चे ये सोच के डरे हुए हैं कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे या नहीं, कहीं उनका एक साल व्यर्थ ना हो जाए। बच्चों के मन में परीक्षा को लेकर इतना डर, लेकिन परियों अगर बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो जरूर उत्तीर्ण होंगे। नहीं रानी परी, बच्चों की विवशता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बालवीर के रूप में तो नहीं, लेकिन बल्लू के रूप में ये डर मुझे भी सताता है। मन में ये डर तो हमेशा ही सताता है कि परीक्षा के समय मैं कुछ भूल गया तो, परीक्षा के समय मुझसे कुछ छूट गया तो। हाँ रानी परी, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाएं, और यही सोच सोच कर वो लोग चिंतित हैं कि अगर उन्हें अच्छे अंक नहीं आए तो वो अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। हाँ परियों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बच्चे परीक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं और इतने डरे हुए हैं तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, हमें उनकी हिम्मत को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन रानी परी, ये कैसे हो सकता है? हम बच्चों की मदद कैसे करें? हम अपने जादू से तो उनकी मदद नहीं कर सकते। आखिर परीक्षा तो बच्चों को अपनी मेहनत और सूझबूझ से ही देनी होगी। जी बात। नहीं माँ, इस मुसीबत का भी उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय बालवीर, हमें भी बताइए। प्रिय बालवीर, है मारी गई इस परी भयंकर की मत जो दे दिया श्री श्री तोबा तोबा जी को ये बच्चों के मामूली पत्र चुराने का मामूली काम। अरे कर तो नहीं सकती कुछ ये बालवीर का, अब क्या डालेगी अचार इन पत्रों का। बेवकूफ, बकवास बंद करो और ये बताओ कि पृथ्वी लोक के बच्चों के लिखे पत्रों में कोई काम की बात है या नहीं। है
लिखी इसमें सिर्फ एक ही बात कि है सारे बच्चे दुखी उनके विद्यालयों में होने वाली परीक्षा के कारण। बच्चे दुखी बच्चे दुखी तो परी भयंकर सुखी है। परी भयंकर है बच्चों के सर पर सवार परीक्षा का भूत, इस बात का क्या लेना देना आपके सुख से? परीक्षा का भूत वाह तौबा तौबा, क्या बात कही है तुमने। मुंह खोलता जब भी मैं मुंह है, निकलते निकल के बिखर ही जाते मेरे मुंह से अकल के मोती इधर उधर। आखिर हूँ थोड़ी ना मैं बेअकल आपकी तरह। अब देखो मैं क्या करती हूँ। खुश रहो बच्चों, खुश रहो बच्चों। अगर हम अपने घर की ही तरह अपने देश को भी स्वच्छ रखें तो सोचिए वो कितना सुंदर लगेगा। और इसीलिए दोस्तों हमेशा कचरा कूड़ेदान में ही डालें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दें। और कुछ बच्चों ने तो ये शुरू भी कर दिया है, जैसे मुंबई के निखिल रामचंद्रन, पंजाब के मेघा कनौजिया, हरियाणा के पूर्वंशी सनन, गुजरात की जयती शाह, उत्तराखंड की सतीश गोयल, दिल्ली की देवांशी कुमार और गुजरात की भाविक पांडव ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। समय आ गया है आज के खास पत्र का, तो आइए देखते हैं उसे। दोस्तों ये है आज का खास पत्र। ये पत्र हमें लिखकर भेजा है कीर्ति ने, जिन्होंने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अच्छे और सच्चे काम करती है। बहुत अच्छे कीर्ति, आपने इतना खूबसूरत पत्र हमें लिखकर भेजा इसलिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। तो दोस्तों अगर इन्हीं की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद तो लिखकर भेजिए हमें इस पते पर। और वो भी अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर के साथ, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.